वेलकम बैक टू अवर चैनल तृप्तिस ब्लॉग। आज हम आपके पास लेके आए हैं एक बहुत ही अच्छा सा रेस्टोरेंट जिसका नाम है हाउस ऑफ मोमोज। आप देख के जान ही गए होंगे कि ये है द स्टैंडर्ड होटल जो कि सेक्टर 4 में है। मैं और भाई आए हैं हाउस ऑफ मोमोज जो कि सेक्टर 4 में है और यहाँ पे बहुत ही डिलीशियस सा मोमोज मिलता है। हमने सुना है बट कभी ट्राई नहीं किया है तो ये पहली बार है। तो हम लोग खाने के बाद आपको सारा रिव्यू देंगे कि यहाँ पे कैसा लगता है खाना वगैरह। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। सो गाइज, यहाँ पे बहुत किस्म के बहुत टाइप्स के मोमोज मिलते हैं तो अभी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ये जो बन रहा है ये है चिकन मोमोज और ये जस्ट सिंपल मोमो है जिसको खाली स्टीम किया हुआ है और बहुत सारे वेराइटीज़ यहाँ पर मिलते हैं तो चलिए देखते हैं। सो गाइज, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जो लोग मोमोज लवर हैं हमें कमेंट करिए और यहाँ पे ज़रूर विजिट करिए। हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा कि आपको यहाँ का मोमो कैसा लगा। तो ये है नॉन वेज मोमोज, ये किसी ने ऑर्डर किया था। और गाइज देखिए, यहाँ पर मैं पूरा लिस्ट दिखा रही हूँ मोमोज़ का। तो बहुत टाइप्स के यहाँ पर तंदूरी वो मोमोज़ वगैरह भी मिलता है। पनीर तंदूरी है, वेज तंदूरी है और पिज़्ज़ा वगैरह भी सब मिलता है गाइस, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में। तो गाइस, अभी मैं अंदर जाके आपको दिखाती हूँ इसका प्रिपरेशन। तो ये मैं और भाई अंदर जा रहे हैं और भी कुछ दिखाऊंगी। वहाँ पे बहुत सारे अभी बुकिंग्स चल रहे हैं पार्टीज़ वगैरह के लिए। तो अभी रेनोवेट पीरियड में है स्टैंडर्ड होटल और ये उनका रेनोवेशन चल रहा है और इसका नाम बदल के उन्होंने रखा है लीला रेस्टोरेंट। तो गाइज, अंदर में अभी बुकिंग चल रहे हैं पार्टीज़ वगैरह के लिए। तो आप लोग देखिए, ये डीजे सेक्शन है। सो गाइज, ये ऑन प्रोसेस है, ये बहुत जल्दी रेनोवेट होके लीला रेस्टोरेंट नाम होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है, जस्ट काम चल ही रहा है। ये डीजे सेक्शन है, डीजे सेक्शन है। आप लोग आके यहाँ पे पार्टीज वगैरह कर सकते हैं। आइए जो हम लोग चलते हैं। सो गाइस, चलिए चलते हैं किचन की तरफ और किचन में जाके मैं दिखाती हूँ कैसे मोमोज प्रिपेयर किया जाता है। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा, अपना फीडबैक कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। अचारी मोमोज और वो क्या तंदूरी, अचारी तंदूरी और नहीं चीज बस। Time for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Fire in my eyes, stir counterclockwise. I dream of you all night. सो गाइज, ये किसी का ऑर्डर का प्रिपरेशन चल रहा है। ये चिकन मोमोज था, चीज़ बर्स्ट चिकन मोमोज आई थिंक, और ये ऑनलाइन ऑर्डर था शायद। तो ये प्रिपरेशन चल रहा था और हमारे लिए ये अभी अचारी मोमो प्रिपरेशन हो रहा है यहाँ पे। तो आप लोग देख सकते हैं कितने सारे यहाँ पे सॉसेस वगैरह डाला है उन्होंने और ये बहुत ही यम्मी दिख रहा है देखने में। तो खाने के बाद हम आपको बताएँगे कि इसका टेस्ट कैसा है। और ये था गाइस
चीज़ बर्स्ट मोमो, इसको बेक किया जाएगा चीज़ डाल के इसमें। तो इसमें ये अभी चीज़ वहाँ पे डाला जा रहा है और उसको अभी बेक किया जाएगा। तो गाइस सारा प्रिपरेशन आप लोग देख लो और फिर मैं दिखाऊंगी इसका प्लेटिंग वगैरह। तो घर पे जाके ही हम खाने वाले हैं इसे, तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो गाइस हमारा ये मोमोज रेडी है, मैं अभी घर जा रही हूँ। घर जाने के बाद सारा प्लेटिंग करके मैं आपको दिखाऊंगी, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर मोमोज अच्छा लगता है तो ज़रूर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी यहाँ पर आने के लिए। तो मोमोज तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी लग रहा है। अब आप लोग जब ट्राई करेंगे तब पता चलेगा। बैठे हैं मोमोज खाने के लिए। गाइस ये जो मोमोज है बहुत ही ज्यादा यमी है। रुकती कैसा लग रहा टेस्ट? वाव, मतलब क्या गजब टेस्ट है। पहली बार रावकला में ऐसे मोमोज मिला है हमें। और आप लोग भी गाइस, हम लोग का ये खत्म हो गया खा खा के। How's the taste? ये मोमोज का कचुम्बर बना के छोड़ दिया, अब उसको खाएगा छिलका को। कितने टाइप्स के मोमोज यहाँ पे मिलते हैं और ये कब से आपने स्टार्ट किया है? ये हमारे 2 इयर्स से स्टार्टिंग है। हाँ, 2 इयर्स हो गया इसको। और यहाँ वैरायटीज का मोमोज मिलता है, बट कौन कौन से मोमोज है? वेज मोमोज है, चिकन मोमोज है, अचारी मोमोज है और भी बहुत सारे मोमोज हैं। तो आप लोग रौरकेला के लोगों को सजेस्ट करना चाहोगे एक बार यहाँ पे आके ट्राई करने के लिए? हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो ठीक है, मैं इसका रिव्यू दूंगी। अगर जो लोग आते हैं यहाँ पे हमारे चैनल के थ्रू, तृप्तिस ब्लॉग्स हमारा चैनल का नाम है, तो आप लोग उनके लिए कुछ डिस्काउंट रखेंगे? ठीक है। तो भैया बोल रहे हैं हमारे चैनल के थ्रू जो लोग आएंगे उनको कुछ डिस्काउंट ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।